Oil. Tell me when. दोस्तों, मृत्यु अटल सत्य है, यानी जिस किसी का भी इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसकी मौत होगी, ये निश्चित है। हालांकि एक सच ये भी है कि मरना कोई नहीं चाहता और इसके लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ भी करने में लगे रहते हैं। लेकिन इसके उलट दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस दुनिया से जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अपनी बेवकूफियों के कारण उन लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे उनकी जान चली गई। और आज के हमारे इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही लोगों को शामिल किया है जिन्हें अपनी बेवकूफियों के चलते इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। और हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि इसे कहते हैं बिना आई मौत मरना। डेडली कोबरा सेल्फी। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इस बात से पूरी तरह वाकिफ होंगे कि किंग कोबरा कितना खतरनाक सांप है। इसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ आप पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में रहने वाले 24 वर्षीय जगदीश अपने आप को कुछ ज्यादा ही बहादुर समझते थे। अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए उन्होंने राह चलते एक सपेरे से उनके पास मौजूद किंग कोबरा को उनकी गर्दन में डालने की बात कही। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बहादुरी दुनिया को दिखाने के लिए इस किंग कोबरा के साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे। लेकिन ये उनकी बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी थी, क्योंकि किंग कोबरा को गले में डालते ही उसने जगदीश के हाथ पर डस लिया, जिसके कारण कुछ ही देर में उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए और वो जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद तुरंत ही उन्हें सुल्लू रूपेटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। लेकिन वहां पर एंटी वेनम मौजूद न होने के कारण उन्हें वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर श्री सिटी के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। लेकिन किंग कोबरा के जहर के उनकी पूरी बॉडी में फैल जाने के कारण दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अब आप ही बताइए कि ये बिना आई मौत मरना है या नहीं। अब इसके लिए तो हम किंग कोबरा को भी दोष नहीं दे सकते। सेल्फी विद ग्रेनेड। सेल्फी के शो ऑफ के चक्कर में अपनी जान गंवाने का ये अकेला मामला नहीं है। साल 2017 में रशिया के साउथ वेस्ट पार्ट में मौजूद लेबिंस्क सिटी में अलेक्जेंडर शाशा चेचिक नाम के एक शख्स के साथ भी सेल्फी के चक्कर में एक रूह कपा देने वाली घटना घटी। दरअसल अलेक्जेंडर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करने के लिए एक जिंदा ग्रेनेड के साथ सेल्फी लेना चाहते थे और इसी दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सेल्फी लेने के लिए अलेक्जेंडर ने ग्रेनेड की पिन को निकाल लिया और उसे हाथ में ही लेकर सेल्फी लेने लगे। लेकिन सेल्फी लेने के दौरान ही ये ग्रेनेड उनके हाथ में फट गया, जिसके कारण अलेक्जेंडर के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। अब बताइए, सेल्फी के लिए ऐसा भी क्या जुनून की जान पर ही बनाए। तो ये सबक है उन सभी लोगों के लिए जो अलेक्जेंडर की तरह ही शो ऑफ करने और सेल्फी लेने के आदि हैं। इस वीडियो को देखकर उनके पास अपने आप में सुधार करने का एक मौका तो जरूर है। डेथ फ्रॉम एयर कंप्रेसर। दोस्तों, कई बार एंटरटेनमेंट और मजाक में किए गए कामों के परिणाम भी काफी भयावह होते हैं, जिसका एक उदाहरण अब आप देखने वाले हैं। जुलाई 2018 में जापान के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने वाले दो वर्कर्स 34 वर्षीय योशियुकी योशिदा और 46 वर्षीय अकियो इशिमारु ने एक दूसरे के साथ एक प्रैंक करने की सोची। इसके लिए योशिदो ने अकियो के रेक्टम यानी कि मलाशय पर एक एयर कंप्रेसर पाइप लगाकर उसे चालू कर दिया। हालांकि अकियो ने कपड़े तो पहन रखे थे, लेकिन बॉडी के अंदर हवा के बढ़ते दबाव के कारण अकियो की बॉडी के पिछले हिस्से यानी कि बटेक्स में एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद अकियो की हालत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि एयर कंप्रेसर के कारण उनकी बॉडी में हवा का दबाव अचानक बढ़ गया था, जिसके कारण उनके दोनों लंग्स डैमेज हो गई और उनकी मौत का कारण बने। लेकिन मौत का असल कारण तो वो एयर कंप्रेसर था, क्योंकि अगर वो एयर कंप्रेसर के साथ ऐसा प्रैंक नहीं करते तो उनकी जान भी नहीं जाती। हालांकि इस तरह के प्रैंक के उकसावे और गैर इरादतन हत्या के लिए योशिदो को जेल की हवा खानी पड़ी थी, जो होना भी चाहिए था। डेथ ऑफ गवर्नर मोरिस। 31 जनवरी 1752 को अमेरिका में जन्मे मोरिस एक राजनेता थे। अमेरिकी संविधान के निर्माण में उनका एक बहुमूल्य योगदान था। लेकिन अचानक ही मोरिस यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नाम की एक बीमारी से ग्रसित हो गए। आपको बता दें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तब होता है जब मूत्राशय और इसकी नली बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है और ईकोलाई बैक्टीरिया इसके संक्रमण का मूल कारण होता है। तो अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद ब्लॉकेज को हटाने के लिए मोरिस ने बिना डॉक्टर्स की सलाह के ही एक वेल बोन यानी कि वेल की हड्डी का टुकड़ा खा लिया। लेकिन उनका ये तरीका उनके लिए ही जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लॉकेज हटाने की बजाय वेल बोन के इस टुकड़े ने उनकी बॉडी को ही इंटरनली इंजर्ड करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मोरिस की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। बॉडी के बुरी तरह इंटरनली इन्फेक्ट हो जाने के कारण 6 नवंबर 1816 को 64 वर्ष की उम्र में मोरिस ने दम तोड़ दिया। तो एटलीस्ट इस घटना से हमें इतना तो सीखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर खुद डॉक्टर बनने की बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर उस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए, ना कि किसी झोला छाप की बात मानकर, क्योंकि भारत में तो हर दूसरा आदमी डॉक्टर ही बना फिरता है। केमिकल टेस्टिंग हैबिट।
कभी कभी किसी चीज को बिना सोचे समझे चखने या खाने की आदत भी सेहत और शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ कार्ल विलहम शील के साथ। कार्ल विलहम एक जर्मन स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका ऑक्सीजन, टंगस्टन, बेरियम और मोलिब्डेनम जैसे तत्वों की खोज में एक अमूल्य योगदान था। लेकिन कार्ल को एक आदत थी कि वो जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर करते उसे सूंघ कर या चख कर हमेशा चेक करते थे और बाद में उनकी यही आदत उनकी मौत का कारण भी बनी। दरअसल एक बार कार्ल ने आर्सेनिक, मरकरी और लेड इन तीनों तत्वों का एक मिश्रण बनाकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नाम के एक नए तत्व की खोज की और हर बार की तरह जब उन्होंने इस नए तत्व को चखने की कोशिश की तो इसे चखते ही उनकी हालत बिगड़ गई। कार्ल को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में जांच में सामने आया कि कार्ल की मौत मिश्रण में मौजूद मरकरी के जहर के कारण हुई थी। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इतना बड़ा वैज्ञानिक इस प्रकार की बेवकूफी ना करता तो विज्ञान के क्षेत्र में आज उनका योगदान कितना बड़ा हो सकता था। ओवर कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स डेथ फॉर देम। दोस्तों अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे फिर वो खाने की हो, पीने की हो या फिर आत्मविश्वास की। यानी कि आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसी चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो मामला बिगड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ साल 1999 में स्पेन के एक सफारी पार्क में घूमने गए एक जर्मन कपल के साथ। इस पार्क में काफी सारे खतरनाक जानवर थे, ऐसे में पार्क के कर्मचारियों ने पार्क में घूमने जाने से पहले इस कपल को आगाह किया था कि उन्हें हर हाल में अपनी कार में ही रहना है, वो भी शीशे चढ़ाकर। लेकिन पार्क के कर्मचारियों की बात को इस कपल ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। अब इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस इन पर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सफारी पार्क में घूमते वक्त इस कपल को तीन लाइंस का एक झुंड दिखाई दिया और अति आत्मविश्वास से भरा ये कपल कार में बैठे रहने की बजाय कार से उतरकर उन शेरों के पास चला गया, केवल ये दिखाने के लिए कि ये शेर उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लाइन के झुंड के पास पहुंचते ही तीनों लाइन ने इस कपल पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया और कुछ ही पल में उन्हें मौत के घाट उतार दिया और इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इनकी मौत का कारण बन गया। हेडफोन कॉजेज डेथ। हमारे कानों में मौजूद ईयरफोन्स या हेडफोन भी हमारी मौत का कारण बन सकते हैं। हो सकता है आपको हमारी इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन अब जो घटना हम आपको बताने वाले हैं इसे देखने और सुनने के बाद आपको हमारी इस बात पर यकीन हो जाएगा। दरअसल ये घटना है साल 2018 में ब्रिटिश कोलंबिया की। आइजाया ओसिनो नाम का एक 23 वर्षीय लड़का अपनी स्ट्रीट से होकर कहीं जा रहा था, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर के उसके ऊपर गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आवाज इतनी तेज नहीं थी कि उस लड़के को सुनाई दे। और अगर आपने इसका जवाब सोच लिया है तो आप काफी ज्यादा समझदार हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने सोचा है ठीक वैसे ही उस लड़के ने अपने कानों पर हेडफोन लगा रखा था और उस हेडफोन में फुल वॉल्यूम पर गाने बजा रखे थे। हेडफोन में तेज आवाज में बज रहे गानों के कारण लड़के को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई ही नहीं थी और हेलीकॉप्टर के उसके ऊपर गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। तो भाई हमारी तो एक छोटी सी सलाह यही है कि आप जब भी कभी बाहर जाएं या घर पर ही रहें तो हो सके तो इन हेडफोन का यूज कम से कम करें, या अगर यूज करते भी हैं तो वॉल्यूम को कम से कम रखें ताकि ऐसी किसी भी घटना से आप खुद को बचाए रख सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।